गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। सोशल वर्कर संस्था के द्वारा गढ़वा शहर के रंका मोड़ स्थित संकट मोचन मंदिर के सामने पिछले 33 सप्ताह से फूड फॉर हंगर जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण करते आ रही है। संस्था के संचालक आकाश केसरी हैं, जिन्होंने युवाओं की टीम को संगठित कर इस सेवा कार्य को पूरा कर रही हैं। बताते चले कि वर्ष 2019 से सोशल वर्कर संस्था ने सेवा का कार्य शुरू किया था, जो अनवरत जारी है। संस्था के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को संकट मोचन मंदिर के सामने 200 से अधिक लोगों के बीच प्रसाद के रूप में पूरी बूंदिया और सब्जी का वितरण किया जाता रहा है। संस्था को शहर के लोग ही सहयोग कर इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं और सहयोग देते हैं। सोशल वर्कर संस्था सिर्फ जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण के कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रक्तदान के क्षेत्र में इनकी महती भूमिका होती है। अब तक संस्था के बैनर तले सैकड़ों यूनिट रक्तदान कर लोगों की जान बचाई जा चुकी है। संस्था के संचालक आकाश केसरी बताते हैं कि जब भी किसी को रक्त की जरूरत होती है, उन्हें और इसे सूचना मिलती है, तो वह बिना देर किए चाहे दिन हो रात संस्था रक्त की व्यवस्था अपने बैनर के तले कराकर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराती है। इसी कड़ी में मंगलवार को संकट मोचन मंदिर के समक्ष भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के संचालक आकाश केसरी के द्वारा पत्रकारों को भी शामिल किया गया। आकाश केसरी ने कहा कि पत्रकारों को शामिल करने का उद्देश्य ये है कि वे कार्यक्रम में शामिल होकर ये देखें कि संस्था किसी भी तरह के फर्जी काम नहीं करती है और न ही झूठ मूठ का श्रेय लेने के लिए प्रचार करती है, बल्कि सेवा का कार्य निस्वार्थ भाव से करती है। मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें इस तरह के कार्य को करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें हर कदम पर सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य शुभम केसरी, अनमोल कश्यप, उमंग सोनी, राज कश्यप, लकी मदेसिया, अमन कश्यप, सत्यम कश्यप, संस्था के मीडिया प्रभारी अंशु कांस्कार आदि उपस्थित थे। हम लोग इस मुहिम में 2019 से जुड़े हुए हैं। हम लोग सदर अस्पताल, शहर मंदिर, हर जगह हम लोग आते जाते रहते हैं, जिससे हम लोग देखे कि हर गाँव से लोग लेबर निकलता है, तो उसको कुछ को रोजगार मिला, शहर में आके कुछ को नहीं मिला। अब बहुत लोगों का तो हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं, मगर जो 2-4-500 लोग आते हैं हर मंगलवार को, उन लोग का एक मुहिम हम लोग छेड़े हैं कि उन लोग को भर पेट भोजन करवा के उनको विदा करें। कम से कम मान लीजिए उनको अगर काम नहीं मिले उस दिन, तो यहाँ से भोजन करके हम लोग विदा करते हैं। उन लोग का आने का जाने का खर्चा जो लगता है, कम से कम पेट भर के वो लोग जाए। हर कार्य में एक्टिव है, अगर जिस तरह से इनका कार्य सराहनीय है, तो अन्य युवाओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज युवाओं बहुत ज्यादा मुख्य धारा से भटकने का काम कर रहे हैं, नशा में संलिप्त हो जा रहे हैं, अन्य तरह के गलत गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने माता पिता से संस्कार लेके, पढ़ाई में रुचि लेकर और समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आते हैं, तो उसमें सराहनीय कार्य करिए और बढ़ चढ़ कर किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और जनहित में और लोगों को जन जन तक जितनी सेवा बन सके उतनी सेवा करने का कार्य करना चाहिए। सोशल वर्क संस्था की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद है। आज से 4 वर्ष पूर्व से ही हम लोग सामाजिक क्षेत्र में घुसे और लगातार हम लोग ने कोविड पीरियड से ही सामाजिक कार्य किया और युवाओं के ही हम लोग साथ हैं। हम लोग भरपूर हमारा सहयोग भी शहरवासियों का हमें मिल रहा है, लोग हमारी काम की सराहना भी हमेशा कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा से लगातार ये निरंतर जो फूड फॉर हंगर का आयोजन है वो चलता रहेगा। हम लोग का एक ही लक्ष्य है सेवा, और हम लोग एक साथ मिलकर, हमारी टीम एक साथ मिलकर सेवा का कार्य हमेशा करती आ रही है और जब भी जरूरत हो हम लोग सेवा के लिए तत्पर रहे। आज से 4 वर्ष पूर्व से ही हम लोग सामाजिक क्षेत्र में घुसे और लगातार हम लोगों ने कोविड पीरियड से ही सामाजिक कार्य किया और युवाओं के ही हम लोग साथ हैं। हम लोग भरपूर हमारा सहयोग भी शहरवासियों का हमें मिल रहा है, लोग हमारी काम की सराहना भी हमेशा कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा से लगातार ये निरंतर जो फूड फॉर हंगर का आयोजन है वो चलता रहेगा।